हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सीड इनगॉट को बना सकते हैं। इनगॉट आपको पता है, जब तक कि इनगॉट नहीं बनेगा वो सिलेंड्रिकल शेप वाला सिलिकन, जो कि प्योर सिलिकन होगा या फिर एन टाइप पी टाइप जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो कि आप आईसी फैब्रिकेशन में उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उस हिसाब से जो आपको इनगॉट बनाना है, तो इनगॉट बनाने का प्रोसेस क्या होता है हम वो जानेंगे। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है ज़ुकरालस्की मेथड प्रोसेस या फिर आप कहते हैं फ्लोट जोन प्रोसेस। ठीक है, दो प्रोसेस हैं, ज़ुकरालस्की एंड फ्लोट जोन। जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो है ज़ुकरालस्की प्रोसेस। ज़ुकरालस्की प्रोसेस में किस तरीके से आपको सिलिकॉन इनगॉट बनाते हैं जो बिल्कुल प्योर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन होना ज़रूरी है उसका, और साथ ही साथ वो सिंगल क्रिस्टल भी होना चाहिए। सिंगल क्रिस्टल मतलब, सिंगल क्रिस्टल कहते हैं जो इसका स्ट्रक्चर थ्रू आउट, उसकी लेंथ ब्रेथ या जो भी उसका पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। मतलब कहीं पे भी उसका स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थ्रू आउट सेम होना चाहिए। अगर मैं क्यूब को लाइन से लगाता हूँ तो वो सारे क्यूब ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्यूब हो फिर क्यूबॉइड वाला स्ट्रक्चर आ जाए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ जाए, तो ऐसे मिक्स स्ट्रक्चर होते हैं तो उन्हें सिंगल क्रिस्टल नहीं बोलते हैं, उन्हें पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। ठीक है, पर जो हम आईसी फैब्रिकेशन में सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होता है। सिंगल क्रिस्टल मतलब थ्रू आउट सेम रहेगा। तो हमें एक ऐसा सिलिकॉन बनाना है, ऐसा इनगॉट बनाना है। ठीक है, बाद में हम उसके स्लाइसेस करके उसे वेफर्स बनाएंगे, फिर वेफर्स में हम उसके पार्टीशन करके उसका डाई बनाएंगे, डाइस बनाएंगे, डाइस में फिर आप आईसी फैब्रिकेट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनगॉट का होना ज़रूरी है। इनगॉट आपका सिलेंड्रिकल शेप में या एक ऐसी शेप में, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, सिंपल इस शेप में आप सिलिकॉन को बना लीजिए। ठीक है, फिर जब इतना बड़ा आपका सिलिकॉन आपके पास आ जाएगा उसके स्लाइसेस करिए और वेफर्स बना के, फिर उन वेफर्स में, जैसे कि इनके मैं स्लाइसेस करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, फिर इन वेफर्स के पार्टीशन करके, एक वेफर जैसे मैंने लिया, इसके पार्टीशन करके हर विंडो में एक आईसी फैब्रिकेट हो सकती है और एक आईसी में लाखों में कंपोनेंट्स डाले जा सकते हैं। आईसी फैब्रिकेशन अब आपका वीएलएसआई लेवल पर पहुँच चुका, उससे भी ऊपर पहुँच चुका है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कि आप एक आईसी के अंदर 3 लाख से ज़्यादा कंपोनेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनाना होगा ताकि हम इसके स्लाइसेस करके फिर ये वेफर बना सकें। वेफर चिप्स जैसे उसकी शेप होगी, फिर उसमें पार्टीशन करके हर विंडो में, जो भी आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, हर बॉक्स में एक आईसी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आईसीज फैब्रिकेट होती है। पर सबसे पहले ये कैसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन और ये प्योर आपका सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन कैसे बनाया जाता है। पहले मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन आता है SiO2 से, फिर इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन आता है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इस प्रोसेस पे कि प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, कैसे वो आपका इनगॉट बनाएगा ये वाला। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इसका नाम है ज़ुकरालस्की मेथड। सबसे पहले मैं सारे कॉम्पोनेंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सीड शाफ्ट लिफ्ट एंड रोटेशन। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो पोर्शन है ये रोटेट भी हो सकता है जिस भी डायरेक्शन में आप करना चाहें, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, और लिफ्ट भी हो सकता है, मतलब कि रोटेशन भी होगी और साथ में लिफ्ट भी होगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। आप दोनों तरफ से मूवमेंट दे सकते हैं, रोटेशन वाली भी दे सकते हैं और ऊपर नीचे वाली मूवमेंट भी दे सकते हैं। और जब ये रोटेट करेगा या ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा तो इसके साथ जो कनेक्टेड है आपकी ये पाइप, देखिए तो यहाँ पे एंड में आपका सीड क्रिस्टल है, यही आपका सिलिकॉन है, सीड सिलिकॉन। ठीक है, सीड सिलिकॉन मतलब कि ये ऐसा सिलिकॉन जो लिया गया है बिल्कुल छोटा सा, ये जो सिलिकॉन हमने लिया है ये आपका बिल्कुल प्योर सिलिकॉन है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन भी कह लीजिए या फिर सिंगल क्रिस्टल भी कह लीजिए। ठीक है, आपका एकदम सिंगल क्रिस्टल है, एक ही स्ट्रक्चर है इसमें, तो हमने छोटा सा क्रिस्टल लिया है सिलिकॉन का। ठीक है, जिसमें कि एक ही स्ट्रक्चर होगा थ्रू आउट। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका ये कढ़ाई है, जिस भी बर्तन में आप कुछ बनाते हैं तो यहाँ पे एक कढ़ाई है जिसका नाम है क्रूसिबल। क्रूसिबल मतलब होता है कढ़ाई। इस कढ़ाई में आपने वो मेल्ट डाल रखा है, मेल्ट मतलब यहीं पे वो पिघली हुई जो चीज़ है वो यहीं पे है, और वो पिघली हुई चीज़ क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन है। मेल्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन मतलब कि जिसको हम आईसी फैब्रिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एन टाइप भी हो सकता है, पी टाइप भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इम्प्योरिटी डाल सकते हो जिस टाइप का भी आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे जो आपका मेल्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और वो आपका इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड है, मतलब कि उस मेटलर्जिकल ग्रेड नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड होने का मतलब ये है कि वो सिलिकॉन फैब्रिकेशन के में इस्तेमाल हो सकता है, वो प्योर फॉर्म है।
ठीक है। तो ये आपका मेल्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपका क्रूसिबल है, कढ़ाई जो मैंने बता दिया, कढ़ाई में आपका जो भी पकाना आपको जो भी प्रोसेस करनी है वो अंदर है, ये रहा मेल्ट। और ये जो आपका बाहर ये बॉक्स दे रखा है इसे बोलते हैं ससेप्टर। ससेप्टर मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि ये इसको एज अ सपोर्ट की तरह, ये बेस है, ठीक है। ये जो ससेप्टर है ये एज अ सपोर्ट दे रहा है क्रूसिबल को, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे मेल्ट रखा रहता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और ये आपका क्रूसिबल है, ये आपका ससेप्टर है जो वो सपोर्ट दे रहा है। नीचे शाफ्ट है, मतलब कि ये जो पूरी कढ़ाई और ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये मेल्ट वाला, ये भी मूव कर सकता है, आप इसको भी मूवमेंट दे सकते हो दाएं बाएं, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी आप मूवमेंट देना चाहते हो इसमें दे सकते हैं, पर ये लिफ्ट नहीं हो सकता, इसमें लिफ्टिंग नहीं है, सिर्फ मूवमेंट है, ठीक है। तो ये आपका शाफ्ट है नीचे वाला, ऊपर भी शाफ्ट है, नीचे भी शाफ्ट है, पर ऊपर वाला शाफ्ट लिफ्ट भी हो सकता है और मूवमेंट भी कर सकता है, पर नीचे वाला सिर्फ मूवमेंट करेगा, लिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे मैंने ये बता दिया, यहाँ पे है एम्बिएंट गैस इनलेट। एम्बिएंट गैस इनलेट मतलब कि यहाँ से कुछ गैसेस को हम अंदर ला सकते हैं जो कि एम्बिएंट इन नेचर होती है। एम्बिएंट इन नेचर मतलब कि जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, जो कि आपकी स्टेबल गैसेस होती है, लाइक आर्गन। तो मैं यहाँ से आर्गन अंदर डाल सकता हूँ, आर्गन का अंदर डालने का फ़ायदा क्या होगा वो हम देखेंगे अभी बाद में, पर यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से हम किसी गैस को इनलेट कर, मतलब अंदर दे सकते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट, यहाँ से हम सब कुछ बाहर कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी अंदर गैसेस होंगी, जो भी हवा होगी, पूरी की पूरी हवा को हम बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर है भैया, कितना टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे काम चल रहा है, तो उसकी रीडिंग ये लेता रहेगा और सेंस करता रहेगा, ठीक है। और ये कंट्रोल सिस्टम एंड पावर सप्लाई है, इस पूरे सर्किट को, मतलब ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, इस पूरे सर्किट को पावर सप्लाई कहाँ से मिल रही है, यहाँ इस बॉक्स से। और कंट्रोल सिस्टम भी है, कंट्रोल सिस्टम मतलब कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मॉनिटर तो करता ही है कि भैया क्या चल रहा है अंदर, कितना टेम्परेचर चल रहा है, जितना चाहिए था हमें उस हिसाब से चल रहा है कि कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, वो सब मॉनिटर करेगा आपका कंट्रोल सिस्टम। पर सिर्फ मॉनिटर नहीं करेगा, जैसे सेंसर सिर्फ सेंस कर देता है, हर एक फीडबैक दे देता है कि भैया ये आपका चल रहा है, ठीक है, तो वो रीडिंग्स बता देता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। मतलब कि जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली गई है, तो आपको पता है अब आपको इसे कम करना है, तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। पर जो मीटर है, जो आपका एक्सीलेटर में जो आपके स्पीड का स्पीडोमीटर होता है, वो सिर्फ आपको बता सकता है कि भैया स्पीड ज़्यादा हो गई, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल तो आपको ही करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसर सिर्फ सेंस करके टेम्परेचर की रीडिंग दे देगा, पर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि उस सेंसर से जो रीडिंग आएगी उसको देख के उसके बिहाफ पे यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि सिर्फ देखेगा नहीं, कंट्रोल भी करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंसुलेटर, ये जो मैंने शेडेड फॉर्म में बना रखा है, ये आपका इंसुलेटर है, ठीक है। और ये जो ये बना रखे हैं मैंने दो यहाँ पे, ये आपके आरएफ हीटर है, ये आपके हीटर है, यही इसको मेल्ट बना के रखेंगे, मतलब सारी जो गर्मी देने वाले हैं सेपरेटस में वो ये हीटर ही हैं, ठीक है, ये दोनों तरफ। ये आरएफ हीटर है, आरएफ हीटर मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी हीटर वाले चीज़ है ये, मतलब कि इसमें कोई आग वाग जला के हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल आपकी जो कॉइल्स होती हैं उनसे जो गर्मी निकलती है वो ये हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरएफ हीटर है, इनके जो कॉइल्स होंगी इसमें वो गर्म हो रही होंगी और उनकी हीट से ये गर्म हो रहा होगा, ठीक है। अब समझते हैं इस पूरे उसमें हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने एक्चुअली आपको हर चीज़ बता दी है कि कौन सा बॉक्स क्या है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपका मेल्ट पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन मेल्ट, एन टाइप पी टाइप जो भी आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो मेल्ट होगा, ठीक है। ऊपर से आपका ये सीड आया, ये जो सीड है ये बिल्कुल सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये आपका सिंगल क्रिस्टल हमने सीड ले रखा, छोटा सा बीज, जिसकी वजह से बाकी फसल निकलेगी। वो फसल कौन सी है, वो फसल है ये इनगॉट, हमें ये बनाना है इसकी मदद से, ठीक है। इसकी शेप में मत जाइए, मैंने शेप ऐसे ले लिया, मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप में ले सकता हूँ ताकि ये ऐसा ही बने, ठीक है। इसकी शेप में मत जाइए, बस एक सीड है बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मैंने बता दिया आरएफ हीटर का काम क्या है, हीटिंग करने का, हीट करने का काम यहाँ पे आरएफ हीटर करेंगे, शाफ्ट रोटेट करने का, ससेप्टर सर जस्ट बेस है, क्रूसिबल वो कढ़ाई है। अब क्रूसिबल जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेल्ट होता है इसको गर्म करने के लिए 1000 से ऊपर डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना होता है, ठीक है। तो आरएफ हीटर्स जो होते हैं वो 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की हीटिंग करते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। तो उस वजह से ये जो हीटिंग होती है, तो आपकी जो कढ़ाई होती है वो कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो कि
आपका हीटिंग को सह सके। तो जो आपका क्रूसिबल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होगा तो पता चला यही पिघल जाएगा, आपकी कढ़ाई ही पिघल जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा जो क्रूसिबल आप किस तरह से सेलेक्ट करते हो, और साथ ही साथ क्रूसिबल भी इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि उसका भी कोई एटम मॉलिक्यूल या मटेरियल कम से कम इस मेल्ट के साथ रिएक्ट करे, क्योंकि हम यही चाहते हैं, हम प्योर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका कोई और चीज़ इसमें आके रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है। अब सब कुछ शुरू करने से पहले सबसे पहले जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि एग्जॉस्ट किया जाता है कि आपकी जितनी भी यहाँ पे गैसेस होंगी, जो भी अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे, हवा होगी, वो सारी की सारी आप बाहर निकाल दो, ठीक है। तो वो सारी की सारी जब आपकी बाहर निकल जाएगी तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से गैस इनलेट से वो वाली गैसेस अंदर ला सकते हो जो कि किसी और के साथ रिएक्ट नहीं होती है और ना वो खुद किसी और को रिएक्ट होने देंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आर्गन को अंदर लाओगे तो आर्गन क्या होगा, आर्गन यहाँ पे पूरे इसमें फैल जाएगा, इसके चारों तरफ। अब आर्गन के होने से होगा क्या कि कोई और गलती से भी कोई आ भी रहा होगा साइड, अगर आ भी गया होगा तो वो आर्गन को पार नहीं कर पाएगा क्योंकि आर्गन रिएक्ट होने नहीं देगा, ठीक है। एक तरह से कवरिंग बना लेगा आर्गन। तो आर्गन एक ऐसी गैस होगी यहाँ पे इसके अराउंड जो कि किसी और गैस को अंदर नहीं आने देगी, रिएक्ट भी नहीं होने देगी, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो काम हो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो, कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो। तो सबसे पहले तो वो सारी गैसेस बाहर निकाली जाएंगी जो भी अंदर होंगी, और फिर उसके बाद आर्गन को आप अंदर कर दीजिए तो उसके वजह से क्या होगा कि वो एक कवरिंग, एक लेयर बना देगी, प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी कि आपका आराम से यहाँ पे काम चलता रहे, क्योंकि वो खुद भी रिएक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि आर्गन ऐसी गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं होती है। तो ना तो वो खुद रिएक्ट होने वाली है, उसकी प्रेजेंस कुछ यहाँ पे ख़राब नहीं करने वाली है, और ना वो किसी और गैस को रिएक्ट करने देगी, ठीक है। तो यहाँ से एम्बिएंट गैस इनलेट का फ़ायदा तो ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब इसमें प्रोसेस किस तरीके से चलने वाला है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होगा कि आपका जो सीड है ये धीरे धीरे करके हम इसे नीचे लेके आएंगे। ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है। सीड आपका बीज जो है वो सॉलिड है और नीचे लिक्विड है आपका। तो जो सॉलिड है उसको हम नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, जो शाफ्ट और ये वाला जो दोनों घूम सकते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। हम देखेंगे क्यों, पर आपका जो सीड है मैं उसे धीरे धीरे करके नीचे लाऊंगा। तो जैसे ही मैं सीड को नीचे लेके आऊंगा, नीचे बहुत मेल्ट है, गर्म, काफ़ी गर्म हो रखा है, तो सीड को जैसे ही मैं इस पर टच करूंगा, टच करते ही थोड़ा सा हल्का सा डिप करके मैं सीड को वापस से मैं उसे नीचे लेके आया, उसको इस डायरेक्शन में अगर मैं बोलूँ, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके मैंने जैसे डिप करा, डिप करने के बाद मैं उसे वापस ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ऊपर की तरफ जब मैं उसे खींच रहा हूँ तो होगा क्या, ऊपर की तरफ खींचने पर होगा क्या कि आपका जो मेल्ट है जो कि गर्म हो रहा था इधर, ये सॉलिड है, ये सॉलिड इसलिए था क्योंकि ये मेल्ट से भी दूर था, गर्मी से दूर था, पर जैसे ही आप इसे बिल्कुल इसके पास लेके आएंगे मेल्ट के पास, तो मेल्ट जो होगा वो इस पर चिपक जाएगा आपके सीड पे। तो सीड पे चिपकने की वजह से क्या होगा, अब वो जो मेल्ट है, आपको पता है लिक्विड एक ऐसी चीज़ होती है जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगी, तो लिक्विड जब इससे चिपकेगी, इसके इंटरफेस से जब चिपकेगी, तो लिक्विड बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर पा लेगी जैसे सॉलिड का था, क्योंकि आपने उस लिक्विड को शेप देने की कोशिश करी है। कैसे, आपने इस सॉलिड को वहाँ पर डिप करा है, तो उस लिक्विड ने जैसे उस सॉलिड को पकड़ा तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर पा लिया जो सॉलिड का था। अब धीरे धीरे करके आपने क्या करा कि उसको ऊपर खींचना शुरू कर दिया, किसको, अपने सीड को, पर सीड के साथ जो मेल्ट अटैच हुआ था, तो जो मेल्ट अटैच हो चुका है उसको भी, वो भी साथ में ऊपर की तरफ आएगा। तो जब वो साथ में ऊपर की तरफ आएगा तो धीरे धीरे करके वो भी सॉलिडिफाइड होता जाएगा, मतलब जो पहले लिक्विड नीचे मेल्ट था वो चिपकने के बाद वो भी धीरे धीरे करके ऊपर सॉलिड होता जाएगा। तो होगा क्या कि जो सॉलिड इस पर जो चिपकेगा, मान लेते हैं कुछ भी चिपक गया है इस पर, जो भी चिपका है, ये जो पार्ट इसमें चिपका है, कुछ भी मान लेते हैं, तो ये जो पार्ट इसमें चिपका है ये भी बिल्कुल वही स्ट्रक्चर पालेगा जो ऊपर वाले का है। तो अब ये वाला सरफेस जो नीचे वाले से टच होगा, मान लेते हैं जो भी, अब ये वाला जब मैं उसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, मान लेते हैं जैसे मैंने ऊपर की तरफ खींचा तो पहले मेरा सीड ये था, तो सीड ने जैसे मेल्ट के साथ टच करा तो सीड अब यहाँ हो जाएगा, सीड थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और नीचे वाला जो मेल्ट था, जो चिपक के सॉलिड बन गया है, वो अगले वाले लिक्विड के लिए सॉलिड बन जाएगा या अगले वाले लिक्विड के लिए सीड बन जाएगा। समझिए इस चीज़ को कि जो आपका सीड था पहले, जैसे आपने डिप करा तो मेल्ट उस पर चिपका, मेल्ट चिपकने के बाद जैसे आपने उसे ऊपर की तरफ खींचा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हुए आप उसे ऊपर ही लिफ्ट भी कर रहे हैं, तो आपका जो सीड था जिसने लिक्विड के साथ टच किया था, तो लिक्विड भी अब सॉलिड बनता जा रहा है क्योंकि वो हीटिंग से दूर होता जा रहा है। तो वो जो लिक्विड सॉलिड बना है, मतलब वो जो मेल्ट
सॉलिड बना है, सेम स्ट्रक्चर बना लिया उसने ऊपर वाले की तरह, तो वो अब अगले वाले लिक्विड के लिए सीड बन जाएगा। ठीक है, मतलब पहले जो मेल्ट था वो अब सीड बन जाएगा नेक्स्ट वाले मेल्ट के लिए। फिर जैसे ही वो उसको भी ऊपर खींचेगा तो वो जो थर्ड नंबर का जो मेल्ट होगा वो अगले वाले के लिए सीड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ जब खींचोगे तो आपका सॉलिड लिक्विड इंटरफेस होके वो सारा का सारा सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सीड है इसको आप डिप करेंगे, पूरा जब इसे खींचेंगे तो वो जो पूरा का पूरा सॉलिड, वो जो लिक्विड होगा वो चिपक चिपक के वो सॉलिड फॉर्म में पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और वो एकदम होगा प्योर। और साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सीड की तरह होगा, क्योंकि उसने अपना फॉर्मेशन उसी की तरह करा जो आपने उसे स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी। तो अगर आप इसे सिंगल क्रिस्टल यहाँ से दोगे सीड, तो वो जो लिक्विड है वो उसी फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते भी हो जो कुम्हार होते हैं वो जो पॉट बनाते हैं तो वो जैसे उसे स्ट्रक्चर देते हैं लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड में वही आ जाता है। ठीक है, तो किसी फॉर्म को अगर आप मतलब किसी चीज़ को आप फॉर्मेशन देना है तो पहले उसका लिक्विड में होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर वो आप अपने हिसाब से उसे ढाल सकते हो किसी भी शेप में या साइज़ में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका बाहर आएगा। पर इसमें ये बहुत देखने में बहुत सिंपल है पर इतना आसान नहीं होता, इसलिए ये सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि लिफ्ट कितनी स्पीड से होना चाहिए पता चला। आप उसे जब डुबाया तो डुबाते वक्त आपने उसकी स्पीड का ध्यान रखा, जल्दी उसे बाहर नहीं निकाला, तो जो सीड था जो कि लिक्विड के ऊपर खींच के सॉलिड बनाने वाला था वो खुद ही उसमें मेल्ट हो जाएगा। जो आपका मेल्ट पड़ा है वो उसमें खुद ही मेल्ट हो जाएगा, तो सीड हो जाएगा खराब, मतलब सीड ही गया। तो जब आपका सीड ही चला जाएगा तो आप बनाओगे कैसे? तो इसलिए जो आपके जो लिफ्ट की जो स्पीड होती है, रोटेशन की जो स्पीड होती है, उसको कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर करता रहता है कि कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, कि टेम्परेचर इतना हाई था, काफ़ी हाई था, आप सीड को ज़्यादा देर तक डिप करके रखा आपने। जैसे हम बिस्किट्स को चाय में डुबोते हैं, ज़्यादा देर तक डिप करते हैं तो बिस्किट ही नीचे चला जाता है, ठीक है, चाय में। तो सेम यहाँ पे भी सीड भी हो सकता है मेल्ट में ही चला जाए, तो आपको उसकी स्पीड को देखना होता है, उसकी रोटेशन को देखना होता है। ठीक है, अब ये दोनों जो घूमते हैं, तो मैंने बताया ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है ऊपर वाला तो ये नीचे वाला ये आपका क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये मैंने एक सेकेंड, ये आपका क्लॉकवाइज होगा। तो अब इससे होता क्या है, जस्ट लाइक ए स्क्रू, आपने देखे होंगे स्क्रू और जो नट होता है, अगर स्क्रू नट जो होते हैं दोनों उल्टी डायरेक्शन में अगर आप रोटेट करते हो, इसको इधर और इसको इधर, दोनों को उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो जल्दी बाहर आ जाता है, तो जल्दी की जल्दी बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, स्क्रू और नट का एग्जाम्पल बहुत ईजी है इसमें समझने के लिए, कि जो स्क्रू और नट होते हैं जब उसको आप दोनों को उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो जल्दी बाहर निकल जाता है। ठीक है, पर अगर आपने किसी एक चीज़ को ही रोटेट करने का दिया तो थोड़ा टाइम लगेगा, पता चला आप सिर्फ उसको पकड़ के बैठे हो नट को और स्क्रू को घुमा घुमा के निकाल रहे हो, तो निकल तो तब भी जाएगा पर वो लगेगा टाइम। पर अगर आप दोनों को उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को निकालने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन उल्टी रोटेट होकर वो निकल सकता है, तो अगर आपने स्क्रू को इधर घुमाया, नट को इधर घुमाया, तो दोनों को जब ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो चीज़ जल्दी निकल के बाहर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कारण जो शाफ्ट और सीड शाफ्ट लिफ्ट एंड रोटेशन है वो दोनों उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं। एक तरह से समझ लीजिए ये आपका स्क्रू है और ये आपका वो नट है। ठीक है, तो दोनों का रिवर्स डायरेक्शन में घूमने से फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा देर तक इसके साथ कनेक्टेड नहीं रहता है और वो जल्दी निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक कनेक्टेड रहा तो हो सकता है आपका पूरा जो सॉलिड है वो मेल्ट में चला जाए या लिक्विड में हो जाए, तो वो चीज़ जल्दी हो जाए, टाइमली वो प्रोसेस हो जाए, तो उसका ध्यान रखने के कारण ये और ये दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के उल्टी होती है रोटेट करते वक्त। ठीक है, तो इस चीज़ से आपका ये जो सीड है ये पूरा का पूरा ऐसे मेल्ट को ऊपर खींच लेगा और आपका इस तरह का इनगॉट निकल के आ जाएगा, और उसके फिर स्लाइसिस करके आप वेफर्स बना के और उसमें डाइस वगैरह जो भी होते हैं उसमें आईसी फैब्रिकेट करके आप काम कर सकते हैं। पर सबसे पहले ये बनाना ज़रूरी है, तो ये बनाने का प्रोसेस ये है, कंट्रोल सिस्टम टेम्परेचर सेंसर यही करते रहेंगे, वो मॉनिटर करते रहेंगे कि टेम्परेचर ओवर तो नहीं हो गया, जितना चाहिए था उतना ही है। कंट्रोल सिस्टम एंड पावर सप्लाई ध्यान से देखिए, मैंने पूरे सर्किट में कनेक्ट कर रखा है, ये हीटिंग जो है, ये जो RF हीटर है वो पावर सप्लाई से ही हीट होंगे। ठीक है, और जो कंट्रोल सिस्टम वो कंट्रोल कर रहा है ये स्पीड, और उसका कंट्रोलिंग इधर भी चल रही है, मैंने कनेक्ट भले इससे करा हो पर कंट्रोल सिस्टम इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो भी मॉनिटर करेगा आपका कंट्रोल सिस्टम की कितनी रखनी है। ठीक है, बहुत जल्दी भी बाहर मत निकाल देना, पता चला कि आपने नट और स्क्रू को इतनी जल्दी रोटेट किया कि भैया वो सॉलिड लिक्विड को सही से सॉलिडिफाइड कर भी नहीं पाया, ले अपने साथ खींच भी नहीं पाया और इतने में वापस बाहर निकल गया,
ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो कंट्रोल सिस्टम वो ध्यान भी देता है कि आपके इस शाफ्ट और इसकी जो स्पीड है वो सही टाइम पे रोटेट करे, सही स्पीड से रोटेट करे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंगॉट बाहर निकल के आ जाता है। इंसुलेटर का काम यहाँ पे ये रहता है कि जो हीटिंग है ये हीटिंग इससे ज़्यादा बाहर ना जाए। इंसुलेटर जो हीटिंग अंदर की तरफ है वो अंदर ही रहे, वो ज़्यादा बाहर की तरफ, इधर टेम्परेचर आपका सेंसर कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि 1400-1500 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वो बाहर निकल रही होगी, इधर उधर आपकी वेस्ट होगी, तो वेस्ट ना हो, कंसंट्रेट यहीं पे हो सारा का सारा टेम्परेचर, इसलिए इंसुलेटर्स भी लगाए जाते हैं ये डेड डैश वाले, ताकि आपकी हीटिंग बिल्कुल यहाँ जहाँ चाहिए वहीं रहे, ठीक है, बाकी जगह नहीं रहे। तो इस तरीके से आपका ये जो सीड है वो आपके मेल्ट को अपने साथ खींच के बाहर निकाल देता है, और जो मेल्ट है वो आपने लिया है बिल्कुल प्योर इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकन, और जो आपने सीड लिया है वो आपने लिया है सिंगल क्रिस्टल, कि भैया उसका स्ट्रक्चर एक है, तो सिंगल क्रिस्टल को जो आप मेल्ट के साथ लगाते हैं तो मेल्ट के लिए मजबूरी हो जाती है कि वो सिंगल क्रिस्टल को ही फॉलो करता है, तो सिंगल क्रिस्टल को फॉलो करने की वजह से उसका स्ट्रक्चर भी सिंगल ही निकलता है। तो ये पूरा का पूरा जो इंगॉट निकलता है ये प्योर निकलेगा इस मेल्ट की वजह से, और सिंगल क्रिस्टल निकलेगा सीड की वजह से, ठीक है। तो सिंगल क्रिस्टल सिलिकन इंगॉट आपका निकल के, प्योर सिलिकन इंगॉट निकल के आ जाता है। और अगर आप चाहो तो एन टाइप, अगर मेल्ट ही आपने एन टाइप पी टाइप बना रखा है तो वो एन टाइप पी टाइप ही बन के आएगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, किसका काम क्या है, और दैट्स इट, यही था आपका पूरा ज़ुक्राल्स की प्रोसेस। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।